दूसरी बात, द्युतम पानम, यहां पर कह दिया पानम, पानम यानी ड्रिंक करना, मदिरा पान करना, दारू पीना, शराब, जो भी आपके भाषा में आप समझ जाओ। जो मनुष्य दुकान में बैठ करके मदिरा पान करता है वहां भी कली रहता है, क्योंकि राजा ने जगह ही ये चार दिया, जुआ, मदिरा और परस्त्री गमन, हत्या, हिंसा, ये चार स्थान दिया है। जो व्यक्ति मदिरा पान करता वो भी कलियुग के कली के संग करता है, कली के साथ रहता है, इसलिए जीवन में मदिरा पान नहीं करना चाहिए। इसलिए पीने वाले व्यक्ति का कभी भरोसा नहीं होना करना चाहिए। जो व्यक्ति पीते ना उनका दिमाग उल्टा ही चलता रहता है, वो होश में तो नहीं रहता, उसके सिर पर कली सवार होता है, इसलिए मदिरा पान नहीं करना चाहिए। प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना। एक बार एक व्यक्ति था, बहुत ज्यादा पीता था, मदिरा पान करता था। वो दुकान में गया और बेचने वाले, कई कुछ लोग बेचने वाले भी बड़े अच्छे होते हैं, वो पीते नहीं है, ऐसा गलत मत सोचिएगा। बेचने वाले अच्छे बोल रहे हैं तो फिर इसका गलत मतलब मत निकालिएगा। बेच तो रहे हैं लेकिन उसको पता है इसको पीना नहीं है, स्वयं बच के रहते हैं, दूसरों को पिलाते रहते हैं। और पीने वाला गया, दुकानदार से कहता है कि यहाँ से मेन रोड में वो दुकान था, और उसने पूछा कि भैया एक काम करो, यहाँ से लोग आते जाते रहते हैं, तुम्हारे दुकान में कोई ऐसा स्थान है क्या मैं छुप करके पी लूं ताकि कोई हमको ना देखे? तो दुकानदार बोला कि देखो हमारे यहाँ ऐसा जगह भी है, भीतर रूम है, जाकर के खूब पियो, तुम्हें दुनिया वाले नहीं देखेंगे, लेकिन सुन लो, पीने से पहले मैं तुमको बता देता हूँ, मेरे दुकान में ऐसा जगह तो है, तुम्हें मैं दुनिया के नजर से बचा सकता हूँ, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा कोई स्थान नहीं है जिससे मैं तुम्हें भगवान के नजर से बचा सकूं। इसलिए भगवान हर जगह से देखते हैं। कभी भी पाप कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, तो ये जरूर सोचिएगा, दुनिया के नजर से तो बचोगे, कैमरा से तो बचोगे, कई प्रकार के युक्ति उपाय कर लोगे, लेकिन भगवान के नजर से कभी भी बच नहीं पाओगे। इसलिए मदिरा पान नहीं करना चाहिए। परस्त्री गमन जहां होता है वहां कली रहता है, और जहां पर जीव हत्या, पशु पक्षियों को मारा जाता है, जानवर को, प्राणियों को मारा जाता है, वहां पर भी कली रहता है। देखो कलियुगी प्राणी हम सब हैं, ये कलियुग चल रहा है और हम लोग कलियुग में रहते हैं, लेकिन राजा परीक्षित ने हमारे ऊपर इतना उपकार किया, कली के लिए निर्धारित चार जगह दिए। अगर व्यक्ति चाहे तो कलियुग में रह करके भी इसके दुष्प्रभाव से बच सकता है। ये चार चीजों से जीवन में बच के रहिएगा। अगर आप कली के प्रभाव से बचना चाहते हैं, भगवान के भक्ति करना चाहते हैं, तो ये चार स्थान से सदैव बच के रहना। प्यार से बोलो। अब उसके बाद कली कहता है कि महाराज एक बात हमको बता दीजिए, एक बात हम जानना चाहते हैं, ये तो सब गलत स्थान हमको दिया आपने, कोई अच्छा भी दे दो। राजा बोले कि ठीक है, सोना में रह लो। कली कहता है कैसा सोना? तो राजा ने कहा चोरी वाला सोना में तुम रह सकते हो। तुरंत राजा परीक्षित के मुकुट पर बैठ जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की।